नमस्कार दोस्तों, कभी कभी आप पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन आप कुछ भी ढंग का काम नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आपका सारा समय ईमेल्स चेक करने में, मीटिंग्स में, कुलीग के साथ बात करने में और बाकी छोटे मोटे काम करने में चला जाता है। आप इन कामों को करने से कैसे बच सकते हैं? इस बुक समरी में आप 5 स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे जो आपका अपना टाइम और दिमाग कहीं और बर्बाद करने से रोकेगी। ये आपके लिए कुछ नियम बना देगी और आपको अपना काम सही तरीके से करने में मदद करेगी। इस बुक समरी की मदद से आप दिन में कम से कम 2 घंटे हाईली प्रोडक्टिव रह सकते हैं। साथ ही इस बुक समरी में आप जानेंगे कि अचानक रुकावट होने पर भी अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं। अपने मन को कुछ देर के लिए भटकने देना आपके काम के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। ज्यादा खाने से आप बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है, बहुत इफेक्टिव बनने के लिए आपको अच्छे फैसले लेने होंगे। दोस्तों, आप रोज बहुत से ऐसे काम करते हैं जो आपकी आदत में है। सोचिए, आप कितनी बार अपने बिस्तर से उठे हैं, कपड़े पहने हैं, अपने ईमेल चेक किए हैं और कितनी बार मीटिंग्स में गए हैं। ये सारे काम हम ऑटोमेटिक ही करते रहते हैं क्योंकि यह हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। हम शायद ही इनमें से कोई चीज करने से पहले सोचते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका डेली रूटीन आपका बहुत समय और एनर्जी वेस्ट कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आइए विवेक का एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक कंसल्टेंट है। मंथली एनालिसिस रिपोर्ट लिखना उसके लिए बहुत जरूरी काम था, लेकिन वो इसे करने के बजाय लोगों के दर्जनों ईमेल का जवाब देता रहा। ईमेल्स को चेक करना उसके डेली रूटीन का हिस्सा है और विवेक हमेशा अपने इस काम को प्रायोरिटी देता है, जबकि उसका जरूरी काम कुछ और है। हम भी विवेक की तरह डेली रूटीन को प्रायोरिटी देते हैं और अपना काम अटका देते हैं। इसे कैसे बदला जा सकता है? एक सही डिसीजन लेकर। आपको एक डिसीजन तब लेना पड़ता है जब आपका कोई काम पूरा हो जाता है या रुक जाता है। ऐसे वक्त आपको चुनना होता है कि आप आगे क्या करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका एक कुलीग आपके डेस्क पर आता है और आपको लंच पर चलने के लिए कहता है। अब आपका रिपोर्ट ड्राफ्टिंग का काम बीच में रुक गया। यहां पर आपको एक डिसीजन लेना है कि या तो आप उसे मना कर दें और अपना काम पूरा करें, या फिर अपने काम से ब्रेक लेकर उसके साथ लंच पर जाएं। अगर आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो ये आपके काम के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप काम करते वक्त ऐसे छोटे मोटे डिसीजन लेते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे तो आप अपना काम समय पर और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है, अपने दिमाग को काबू करने से आप किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एक बार में एक ही काम कर रहा हो। हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक बार में बहुत सारे काम करते हैं। क्या आपको अपनी ईमेल चेक करना चाहिए या मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए? एक अच्छा डिसीजन लेना जरूरी है। दुर्भाग्य से ये बहुत सारे काम एक साथ करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये तब होता है जब आपके दिमाग का एग्जीक्यूटिव फंक्शन बहुत ज्यादा काम करता है। ये फंक्शन चीजें मैनेज करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यदि आप मीटिंग की तैयारी करते समय ईमेल अलर्ट स्विच ऑफ कर देते हैं तो आप बेफिक्र होकर अपनी मीटिंग पर ध्यान दे सकते हैं। कोई डिसीजन लेना जो आपके रूटीन का हिस्सा है या जरूरी नहीं है, आपके दिमाग की एनर्जी को खत्म करता है। नेटवर्किंग, एक साथ कई काम करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग, ये सब वो काम है जो आपके दिमाग को थका देते हैं। जाहिर है, हम सारे कामों को टाल नहीं सकते जो हमारे दिमाग को थकाते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सा काम आपको थका सकता है तो आप उससे अच्छी तरह निपट सकते हैं और आप उस काम पर ज्यादा ध्यान देंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उन कामों को पहचाने जो आपको ज्यादा थकाते हैं और इससे पहले कि आप उस काम में लगें उससे अच्छे से समझ लें। अगर रिपोर्ट बनाना आपके लिए दिन का सबसे जरूरी काम है तो आप दिन की शुरुआत ईमेल चेक करने से नहीं कर सकते जो आपका डेली रूटीन है। बेहतर होगा अगर आप रिपोर्ट बनाने में लग जाएं। नेक्स्ट चैप्टर है, अगर आप इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो भटकने से डरना बंद कर दीजिए। हम सभी जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश में फ्रस्ट्रेट होते हैं, खासकर तब जब हमें बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। ऐसे में अपने काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग भटकने के लिए बनाया गया है? क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वज बच पाते अगर वो अपने खाने पर ध्यान देते और उनके आसपास के जंगली जानवरों पर नहीं? बिल्कुल नहीं। जब हमारे आसपास कुछ बदलाव होता है तो हमारा दिमाग भटक जाता है। ध्यान भटकना पूरी तरह से नॉर्मल है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान भटकाने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान भटकाने के बुरे परिणामों के बारे में सोचना होगा।
आपके ऑफिस में कुछ खास तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स। भले ही हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स की हमेशा तारीफ करते हों हमारे काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन वो हमें फोकस करने से और हमें काम करने से भी रोकते हैं। इसलिए अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर डाल दें तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन ऐसे डिस्ट्रैक्शंस का क्या जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे एक एम्बुलेंस आपके गली से गुजर रही हो? ये सारे डिस्ट्रैक्शंस गलत नहीं हैं। कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए, क्योंकि इससे फोकस करने में मदद मिलती है। ये किसी पैराडॉक्स की तरह लगता है ना, लेकिन इसमें सच्चाई है। 2012 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रिसर्च से पता चला है कि जब हम क्रिएटिव प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो हमें हमारे दिमाग को भटकने देना चाहिए। सवाल यह है कि किस तरह आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करें लेकिन अपने काम को भी याद रखें। आप अपने दिमाग को कुछ अलग चीज पर लगा सकते हैं जो पूरी तरह से आपके काम से अलग हो या बहुत ही आसान हो, जैसे अपना डेस्क साफ करना या अपना लंच बनाना। अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी और प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप पूरी तरह से किसी दूसरे काम में लग जाएं। इन दोनों तरीकों से आपके दिमाग को थोड़ा ब्रेक मिलेगा और आप अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है, अगर आप अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर यह आपको मोटिवेट करने के लिए काफी नहीं है तो आपको बता दें कि एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। ये एक रिसर्च से पता चला है जहां लोगों को रंगों में लिखे हुए शब्द बताने थे, जैसे येलो को हरे रंग में लिखा गया। लोगों को या तो रंग बताना था या शब्द, और उन्होंने यह टेस्ट एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद किया। इस टेस्ट में यह देखा गया कि जो लोग एक्सरसाइज करने के बाद टेस्ट दे रहे थे उन्होंने ज्यादा सही जवाब दिए। इससे पता चलता है कि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग को सोचने और डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। एक और रिसर्च में यह भी पाया गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज आपको किसी भी चीज पर ध्यान लगाने में मदद करती है। इस टेस्ट में लोगों को स्क्रीन पर एक लक्ष्य पर निशाना लगाने को कहा गया और साथ ही उन्हें आसपास हो रही चीजों पर ध्यान नहीं देने के लिए बोला गया। फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद लोगों ने बिना ध्यान भटकाए अपने लक्ष्य पर फोकस किया। इसलिए जिम में वर्कआउट करने के बाद आप अपने लिए कुछ जरूरी काम को शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए समय ही ना हो? कुछ खास तरह के डाइट भी आपकी काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। रिसर्च से पता चला है कि कार्ब्स खाने के तुरंत बाद आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं, लेकिन यह केवल एक घंटे ही काम करता है। हैरानी की बात यह है कि फैट्स कार्ब से ज्यादा मददगार है। एक रिसर्च से पता चला है कि कुछ फैट्स खाने के 3 घंटे के बाद भी हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हैं। जो लोग डिहाइड्रेट हैं उन्हें फोकस करने में ज्यादा मुश्किल होती है, इसलिए आप ज्यादा पानी पीकर भी अपने दिमाग को इफेक्टिव बना सकते हैं। आप क्या खाते हैं सिर्फ यही आपकी इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी नहीं है, आपके आसपास क्या होता है यह भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर है, एक अच्छा प्रोडक्टिव माहौल बनाने के लिए आप शोर, लाइट और चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें काम करते समय पूरा शांत माहौल चाहिए? क्या आप म्यूजिक और शोर से काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं? सच्चाई ये है कि म्यूजिक और गॉसिप आपके काम करने की क्षमता को घटा देता है। कई रिसर्च से पता चला है कि गॉसिप आपको ध्यान लगाने या किसी चीज को पढ़ने और समझने की शक्ति को इफेक्ट करता है। इसलिए जब आप अपने काम को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ऑफिस में अकेले बैठें या लोगों से दूर रहें। इंग्लैंड में हुई एक रिसर्च के दौरान दो एक जैसे ऑफिस में अलग अलग लाइटिंग की, व्हाइट एंड ब्लू। जो लोग ब्लू व्हाइट रोशनी में काम कर रहे थे वो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस की लाइटें अच्छी नहीं कर सकते तब भी एक चीज है जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, वो है सफाई। वो सारे नोट्स, अनफिल्ड पेपर और फ्री सैंपल्स जो आपका ध्यान खींचते हैं, आपको जरूरी काम करने से रोकते हैं, उन्हें साफ करके रखें। अगर आपने ये सारे सबक समझ लिए हैं तो अपनी कुर्सी से उठ जाएं और थोड़ा बाहर टहल कर आएं। जब आप टहल कर वापस आएंगे तो आप ये सारी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। आप 5 आसान स्ट्रेटेजी का पालन करके रोज कम से कम 2 घंटे अपने काम को इफेक्टिव कर सकते हैं। आप डिसीजन लें, अपने दिमाग को काम पर लगाएं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बंद कर दें, अपने मन और शरीर को एक करें और अपने ऑफिस को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। इस तरह आप अपने आप को अच्छी तरह से काम करने के लिए साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली कंडीशन दे सकते हैं।
इसके अलावा अगली बार आपको लगे कि आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है या आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अपना काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत है और आप याद रखें कि आप सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ऑफिस के बाहर थोड़ी देर टहलना भी आपको अच्छा और फ्रेश फील करवा सकता है। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।